दोस्तों आईपीएल 2022 में लीग स्टेज का अंतिम मैच आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद आईपीएल 2022 का फाइनल पॉइंट टेबल सामने आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2022 का फाइनल पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी टीमें प्ले ऑफ में जा चुकी है। इसके साथ ही पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किस प्लेयर के पास मौजूद है, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो ध्यान से टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2022 का फाइनल पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लीग स्टेज का अंतिम मैच आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था और इस मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने हैदराबाद को हरा दिया और इस जीत के बाद आईपीएल 2022 का फाइनल पॉइंट टेबल सामने आ चुका है। तो पॉइंट टेबल में 10वें पोजीशन पर है 5 बार की चैंपियन और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं, जहां पर 4 मैच में मुंबई इंडियंस की टीम जीत गई और 10 मैचों में मुंबई की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 4 मैच जीत करके मुंबई पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और इस टीम का नेट रन रेट -0.506 है और मुंबई की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पर है डिफेंडिंग चैंपियन और एमएस धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 14 मैच खेले हैं, जहां पर 4 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत गई और 10 मैचों में चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.203 है और चेन्नई की टीम भी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर है आज के मैच की हारने वाली टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में लीग स्टेज के टोटल 14 मैच खेल लिए हैं, जहां पर 6 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत गई और 8 मैचों में एसआरएच की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.230 है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी प्ले ऑफ के दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन में टोटल 14 मैच खेल लिए हैं, जहां पर 6 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत गई और 8 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ केकेआर की टीम पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट +0.146 है और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी प्ले ऑफ के दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर है आज के मैच की विनर यानी कि पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स की टीम ने लीग स्टेज के सभी 14 मैच खेल लिए हैं, जहां पर 7 मैच में पंजाब किंग्स की टीम जीत गई और 7 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 14 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट प्लस में आ चुका है। लेकिन पंजाब की टीम अनफॉर्चुनेटली इस साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके बाद पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन पर है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में लीग स्टेज के सभी 14 मैच खेल लिए हैं, जहां पर 7 मैच में
दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत गई और 7 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से टोटल 14 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट +0.204 है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी मुंबई इंडियंस से हारने के बाद प्ले ऑफ के दौड़ से पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है, यानी कि दिल्ली अंतिम मैच न जीतने के कारण प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 4th पोजीशन पर है। आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने इस सीजन में टोटल 14 मैच खेल लिए हैं, जहां पर 8 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जीत गई और 6 मैचों में आरसीबी की टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से टोटल 14 में से 8 मैच जीत करके 16 अंकों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पॉइंट टेबल में 4th पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट -0.253 है। लेकिन कल मुंबई इंडियंस के जीत के चलते आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है, जहां पर 4th पोजीशन के साथ आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में जाने में सफल रही और ये टीम एलिमिनेटर मैच लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 3rd पोजीशन पर है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, और लखनऊ सुपर जायंट की टीम ने इस सीजन में लीग स्टेज के सभी 14 मैच खेल लिए हैं, जहां पर 9 मैच में लखनऊ सुपर जायंट की टीम जीत गई और 5 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट की टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से टोटल 14 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ लखनऊ सुपर जायंट की टीम पॉइंट टेबल में 3rd पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट +0.251 है और लखनऊ की टीम भी प्ले ऑफ में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। हालांकि कम नेट रन रेट के चलते ये टीम पॉइंट टेबल के टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाई और ये टीम अपना एलिमिनेटर मैच आरसीबी के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 2nd पोजीशन पर है आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन और संजू सैमसन की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम, और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन में टोटल 14 मैच खेल लिए हैं, जहां पर 9 मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत गई और 5 मैचों में राजस्थान रॉयल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से टोटल 14 में से 9 मैच जीत करके 18 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल में 2nd पोजीशन पर मौजूद है और इस टीम का नेट रन रेट +0.298 है और राजस्थान रॉयल्स की टीम 2nd पोजीशन के साथ प्ले ऑफ में जा चुकी है, यानी कि इस टीम को फाइनल में जाने के लिए 2 मौके मिलेंगे और राजस्थान रॉयल्स की टीम क्वालिफायर 1 का मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहां पर है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम, और गुजरात टाइटंस की टीम ने लीग स्टेज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 14 में से 10 मैच जीत लिए, तो इस वजह से टोटल 14 में से 10 मैच जीत करके 20 अंकों के साथ हार्दिक पांड्या की टीम पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.316 है, और गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर फिनिश करने में सफल रही और इस टीम को भी फाइनल में जाने के लिए 2 मौके मिलेंगे, जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम क्वालिफायर 1 में राजस्थान के खिलाफ खेलेगी। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2022 में गुजरात, राजस्थान, लखनऊ और बेंगलोर में से कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जोड़ बताएं। तो अब बात करते हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, बाउंड्री किंग और सिक्सर किंग के बारे में। तो ऑरेंज कैप जॉस बटलर के पास है, जो कि 14 मैचों में सबसे अधिक 629 रन बना चुके हैं। 2nd पोजीशन पर है केएल राहुल, जो कि 14 मैचों में 537 रन बना चुके हैं। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है क्विंटन डिकॉक, जो कि 14 मैचों में 502 रन बना चुके हैं। इसके बाद पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल के पास है, जो कि 14 मैच में सबसे अधिक 26 विकेट ले चुके हैं। 2nd पोजीशन पर है वनिंदु हसरंगा, जो कि 14 मैचों में 24 विकेट ले चुके हैं। वहीं 3rd पोजीशन पर है कगिसोर अबाडा, जो कि 12 मैच में 22 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद बाउंड्री किंग सिक्सर किंग के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा छक्का जॉस बटलर ने 14 मैचों में 37 छक्के मारे हैं, और सबसे अधिक चौका भी जॉस बटलर ने ही लगाया है, जहां पर बटलर ने 14 मैचों में 56 चौके मारे हैं। तो यही था आईपीएल 2022 में आज का नया पॉइंट टेबल। वी
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।